हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा, जो कि हमने घर में ही बैटर तैयार किया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाहर से भी बना सकते हैं। इसे मैंने पनीर और गाजर के स्टफिंग के साथ तैयार किया है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए। जिसे मैंने पीनट चटनी के साथ सर्व किया है, दोनों का लिंक, बैटर और चटनी का लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसे आप बनाइए, खाइए, ये इम्यून के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो चलो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये बैटर देखिए, मैंने इसे रात को ही बना के पीस के रख दिया था। अब ये कितना फ्लफी हो गया है, इसकी यहाँ पे मेजर थी, अब देखिए ये यहाँ तक ऊपर तक आ गया है। ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हमें इसे चलाते रहना है करीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए। इसे एक ही डायरेक्शन में आप अच्छे से चला दीजिए, ताकि सारे एयर बबल्स इसके इसमें सेटल्ड हो जाए। अभी अच्छे से फिट गया है, देखिए इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये इतना ही, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अब हमें जितना पोर्शन चाहिए बनाने के लिए, उतना हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बाकी के मिक्सचर को हम फ्रिज में रख देंगे। आप इसे 2 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हो। अब जितना मिक्सचर हमें चाहिए, उतने मिक्सचर में ही हम इसमें नमक मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी और डाल के हम इस बैटर को थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना लेंगे। इसकी स्टफिंग के लिए अब एक बाउल में हम पनीर लेंगे। मैंने पनीर 250 ग्राम लिया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मोटे वाले स्क्रैपर से अच्छे से इसे मैं ग्रेट कर लूँगी, ताकि ये मुझे बहुत ही फाइन चीज़ मिल जाए। अब सारे पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, देखिए दोस्तों। अब सारा पनीर मैंने ग्रेट कर लिया है, देखिए दोस्तों। अब इसमें हमें हरी धनिया डाल देना है, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मैंने इसमें डाल दी है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है। अब गाजर मैंने 3 ली है, जो कि बहुत ही पतली है, तो अगर मोटी हो तो आप 2 ही लीजिएगा। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है बारीक, इससे ब्लेड से देखिए कितना बारीक है ये। अब इस सारे ग्रेटेड कैरेट को हम, गाजर को इस मिक्सचर में हम मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों के अंदर हम 1/2 कटा बारीक प्याज डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब तवे को मैंने बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर पानी का स्प्रिंकल डाल दिया है और तवे को अच्छे से पोंछ दिया है मैंने, और थोड़ा सा ऑयलिंग मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। कास्टिक आयरन का तवा जब भी आप यूज़ करें दोस्तों, तो इसे धो के तुरंत ऑयल से सीजनिंग करके ही रखें। अब ये बैटर मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। इसे हल्के हाथ से आप घुमाते हुए राउंड राउंड घुमा दीजिए और इसके ऊपर मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है। जैसे ही आप इस मिक्सचर को स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर तुरंत ही आप ये जो भी आप इसके अंदर स्टफिंग भरना चाहते हैं उसे तुरंत लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी हेल्दी डोसा है, इसे आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अब एक स्पून स्प्रेटर की तरफ से इसे आप अच्छी तरीके से फ्लैट करके मिक्स कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि ये इसके अंदर चिपक जाए। और जैसे ही डोसा आपका पक जाता है, तभी आप इसके चारों तरफ ऑयलिंग करिए। अब ये देखिए, ये रेडी हो गया है। इसे मैंने टर्न कर लिया है और इसे आप प्रेस कर लीजिए। हमें इसे एक ही तरफ से पकाना है और इसे आप दूसरी तरीके से टर्न कर लीजिए। देखिए, डोसा हमारा क्रिस्पी और बड़ा ही स्वादिष्ट डोसा तैयार हुआ है। मुझे पक्का यकीन है, जब भी आप इसे बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्योर हाइजीन रेसिपी है। देखिए, मैंने इसे प्लेट में अब निकाल लिया है। अब हम मैं आपको एक डोसा और बना के दिखाऊंगी दोस्तों। पहले पानी आप छिड़क लीजिए अच्छे से, ताकि तवा हमारा ठंडा हो जाए, जिसे हमारे डोसे चिपके नहीं तवे पर। और इसे मैंने नैपकिन से साफ़ कर दिया है और ये मैंने सेंटर में डोसे का मिक्सचर रख लिया। और हल्के हाथ से इसे आप घुमाते जाइए, पहले सेंटर में घुमाइए, फिर साइड में घुमाइए,
देखिए कितना बढ़िया डोसा मेरा तैयार हुआ है, ये काफ़ी क्रिस्पी बना है दोस्तों। अब इमीडिएटली हमें इसके ऊपर अपना मिक्सचर स्प्रेड करना है, गाजर पनीर और ओनियन का। देखिए कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, आलू की जगह आप ये मिक्सचर को डालिए, ये काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो समय चल रहा है हमें अपनी हर चीज़ों में हेल्दी चीज़ों को डालना होगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। अब जैसे ही आपने मिक्सचर डाला, आप चम्मच की सहायता के द्वारा इसे थोड़ा प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेटल होकर दब जाए इसके अंदर और ये मिक्सचर आपका निकले नहीं। और 2 से 3 मिनट इसे पकने दीजिए। अब देखिए चारों तरफ ये पक चुका है, सूख चुका है। अब हम इसके चारों तरफ ऑयल को अप्लाई कर देंगे। उसके पहले आप बिल्कुल मत डालिएगा, जब ये एकदम से ड्राई हो जाए तभी आप ऑयल इसमें अप्लाई करिएगा। अब थोड़ा ऊपर ऑयल मैंने डाल दिया है ताकि ये मिक्सचर भी थोड़ा पक जाए। अब देखिए दोस्तों ये एकदम पक रहा है, 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से टर्न कर लेंगे। मैंने हाथ से देखिए इसे टर्न कर दिया है, कितना अच्छा डोसा, क्रिस्पी डोसा तैयार हुआ है दोस्तों। अब मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब दूसरी तरीके से भी हम थोड़ा सा इसे सेक लेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। और ये गर्मा गर्म डोसा हमारा तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी दोस्तों, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसे आप कैसे खाना चाहेंगे, इसके साथ मैंने पीनट की चटनी बनाई है, पीनट चटनी यानी मूंगफली की चटनी। ये बहुत ही यम्मी होती है दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और डोसे के बैटर का भी लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। दोनों चीज़ें आप घर में बनाइए, हेल्दी डिश है ये, इन्जॉय करिए इस महामारी के दौर में। अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।